एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 से हिंदी पाठ 15, बुलबुल की डायरी। एक बुलबुल नाम की लड़की है, उसकी एक डायरी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि बुलबुल की डायरी में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलबुल की डायरी में यहाँ पे दिया है बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बुलबुल एक लड़की का नाम है। सर्वव्यापी, यहाँ पे दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह मौजूद रहने वाला। यहाँ पे दिया है विनम्रता पूर्वक। विनम्रता पूर्वक का मतलब होता है विनय या नम्रता के साथ। वेशभूषा, वेशभूषा यानी होता है पहनावा, जो हम लोग जैसे हम लोग की स्कूल की ड्रेस है उसे भी वेशभूषा ही कहते हैं। तो वही क्या, हम लोग का पहनावा है तो उसे वेशभूषा कहते हैं। यहाँ पे दिया है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है असाधारण, यानी यानी साधारण नहीं असाधारण। ठीक है, चलिए हम लोग इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बुलबुल की डायरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यह है 4 नवंबर 2010। आज से मैंने डायरी लिखनी शुरू की थी। ये जो 4 नवंबर 2010 था, वो बुलबुल ने इसी दिन से क्या अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी। पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे डायरी दी है। वो बुलबुल कह रही है कि 4 नवंबर 2010 को मतलब मैंने डायरी लिखनी शुरू की थी। पिताजी ने मेरे जन्मदिन यानी जब मेरा बर्थडे यानी जन्मदिन था, तब पिताजी ने मुझे क्या डायरी दी थी, ने दी है। वो 4 नवंबर 2010 के बारे में बता रही है कि आज से ही मैंने डायरी लिखनी शुरू की है और जन्मदिन पर यानी उसके पिताजी ने उसको जन्मदिन पर उसे क्या दी थी, डायरी दी थी। उन्होंने कहा है, बुलबुल कह रही है उन्होंने कहा है कि मैं इस पर अपने रोजाना के क्रियाकलाप लिखा करूं। बुलबुल बोल रही है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं इस पर जो ये डायरी मुझे दिए हैं, इस पर मैं अपने रोजाना के क्रियाकलाप यानी जो मैं क्रिया करती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ या पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं इस पे क्या करूँ, लिखा करूँ। पिताजी से यह डायरी पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुलबुल बोल रही है कि पिताजी ने मुझे जो ये डायरी दी है, ये डायरी पाकर मैं बहुत प्रसन्न प्रसन्न हूँ या मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि आज से ही डायरी लिखना शुरू कर दूँ। बुलबुल बोल रही है मैंने सोचा कि आज से ही मैं ये डायरी लिखना शुरू कर दूँ। आज का दिन वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आज का दिन है वो वास्तव में क्या बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण का मतलब होता है बहुत अच्छा दिन है, आज बहुत जरूरी दिन है। मैंने आज ही बुलबुल की दीक्षा ली है। मैंने आज ही बुलबुल की दीक्षा ली है। बुलबुल बोल रही है कि मैंने आज ही बुलबुल की क्या दीक्षा ली है। दीक्षा का मतलब होता है निर्धारित ढंग से कोई कार्य करने का व्रत, जो निर्धारित जो कोई भी काम है उसे मैं सही ढंग से करने की दीक्षा ली है, यानी सही ढंग से कार्य करने का व्रत लिया है। भैया, यहाँ पे दिया ना भैया। भैया जब स्काउट की नीली वर्दी, जब भैया जब स्काउट की नीली वर्दी, स्काउट का एक होता है वर्दी होता है, जैसे ड्रेस होता है वो किस कलर का होता है, नीली वर्दी, और स्कार्फ जो स्कार्फ होता है वो पहनकर जाता था। स्कार्फ यानी उसके साथ मिलता है, वर्दी के साथ एक स्कार्फ मिलता है, उसे पहनकर जाता था। तब मैं सोचा करती थी, बुलबुल बोल रही है कि जब मेरा भैया स्काउट की नीली वर्दी और स्कार्फ पहनकर जाता था, तब मैं सोचा करती थी कि मैं कब गाइड बनूंगी। वो सोचा करती थी कि मैं कब गाइड बनूंगी। गाइड का मतलब जब उसी में लोग बच्चे लोग रहते हैं तो उसे वो स्काउट की नीली वर्दी पहनते हैं, उन्हें गाइड कहते हैं। तो उन्हें वो सोच रही थी कि मैं
सोचा करती थी कि मैं कब गाइड बनूंगी और गाइड की नीली पोशाक पहनूंगी। जो गाइड को नीली पोशाक मिलती है, वर्दी मिलती है, उसे मैं कब पहनूंगी। आज अवसर मुझे मिल गया है। आज मुझे अवसर, अवसर का मतलब मौका, आज मुझे मौका मिल गया है। छोटी बालिकाओं को बुलबुल ही बनना पड़ता है। जो छोटी बालिकाओं हैं, बालिका मतलब लड़कियां हैं, उन्हें बुलबुल ही बनना पड़ता है। बुलबुल बोल रही है बालिकाओं को यानी लड़कियों को क्या, बुलबुल ही बनना पड़ता है। जो बुलबुल चिड़िया है यानी मधुर गीत गाती है, मधुर आवाज वाली, वो उसे क्या बुलबुल ही बनना पड़ता है। इसी तरह छोटे बालक कब या बालवीर बनते हैं। वो बोल रही है इसी तरह छोटे जो बालक होते हैं यानी लड़के होते हैं, वो क्या कब या बालवीर बनते हैं। हमारी स्काट लीडर, हमारी इश्लाक लीडर यानी सॉरी हमारी इश्लाक लीडर जादुई वृक्ष के पास खड़ी थी। जो हमारी इसका लीडर थी वो क्या जादुई वृक्ष के पास खड़ी थी। जो जादुई वृक्ष है उसके पास खड़ी थी। जिस वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाकर फ्लॉक की बैठक की जाती है। जिस हमारी इश्लाक लीडर जादुई वृक्ष के पास खड़ी थी। जिस वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाकर फ्लॉक, फ्लॉक यानी होता है ग्रुप या समूह, ठीक है, ग्रुप या समूह की बैठक की जाती है, उसे जादुई वृक्ष कहते हैं। उसे जहाँ पे हमारा समूह चारों ओर घेरा बनाकर बैठता है तो उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, उसे जादुई वृक्ष कहते हैं। एक बुलबुल फ्लॉक या बोले ये एक बुलबुल फ्लॉक यानी समूह, ठीक है, ग्रुप या समूह। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप या समूह। एक जो बुलबुल है वो ग्रुप समूह या बुलबुल समूह में कम से कम 12 तथा, जो बोल रही है कि एक बुलबुल फ्लॉक या बुलबुल समूह में कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 24 बालिकाएं होती हैं। इस ग्रुप में जो बुलबुल ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या कम से कम 12 तथा या उससे अधिक, अधिक से अधिक 24 यानी ज्यादा से ज्यादा 24 बालिकाएं होती हैं और कम से कम 12 बालिकाएं होती हैं इस ग्रुप में। इस समय फ्लॉक में 18 लड़कियां हैं। जो इस समय जो फ्लॉक है यानी जो ग्रुप समूह है उसमें कितनी लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं। दीक्षा के समय, जो दीक्षा यानी निर्धारित ढंग से कोई कार्य करने का व्रत, दीक्षा के समय मैंने मतलब जब मैंने निर्धारित ढंग से कोई कार्य करने का कहा था, उस समय मैंने बाएं हाथ से वृक्ष को छूते हुए हाथ से सैल्यूट किया। मैंने जो अपना बाया वाला हाथ है उससे बाएं हाथ से वृक्ष को यानी जो वृक्ष यानी पेड़ है उसको छूते हुए दाएं हाथ से, जो दाया हाथ मेरा दाहिना हाथ उससे मैंने सैल्यूट किया। जैसे हम लोग झंडे को सैल्यूट करते हैं यानी सलामी देते हैं, उसी तरह उसने वृक्ष को क्या किया, सैल्यूट किया। और बुलबुल की प्रतिज्ञा दोहराई, और जो बुलबुल की प्रतिज्ञा है जो उसने प्रतिज्ञा लिया था उसने दोहराई, जो उसने प्रतिज्ञा ली थी वो क्या दोहराई यानी दोहराई। मैं ईश्वर तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करूंगी। उस डायरी में, जो डायरी में वो निर्धारित ढंग से कार्य करने का वो था बुलबुल ने लिखा था, उसको क्या उस प्रतिज्ञा को उसने दोहराया। मैं ईश्वर यानी भगवान तथा देश के प्रति, जो हमारा देश है उसके प्रति अपने कर्तव्य का यानी अपने जो कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य है उसका निष्ठा से पालन करूंगी। निष्ठा का मतलब होता है आस्था या श्रद्धा से क्या करूंगी, पालन करूंगी। मैं बुलबुल फ्लॉक के नियमों का पालन करूंगी। जो बुलबुल ग्रुप है उसके नियमों का यानी बुलबुल जो समूह है उसके नियमों का मैं पालन करूंगी। उसने क्या किया, प्रतिज्ञा ली। कब या बालवीरों ने भी आज ही दीक्षा ली थी। कब या जो कब थे यानी सीरियल वो कर रही है, सीरियल में जो कब या बालवीर जो बालवीर थे उन्होंने भी आज ही दीक्षा ली है यानी आज ही उन्होंने भी कोई भी काम निर्धारित ढंग से करने का व्रत लिया है।
उन्होंने भी अपने ढंग से इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उन्होंने भी अपने ढंग से इसी प्रतिज्ञा को क्या किया? दोहराया। दीक्षा के बाद बुलबुल और बालवीर सभी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दीक्षा के बाद यानी उस निर्धारित ढंग से कार्य करने का जो व्रत था उसको लेने के बाद उन्होंने क्या किया? बुलबुल जो थी और बालवीर थी क्या थे? बहुत सभी लोग क्या थे? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, यानी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। 11 नवंबर, अभी 11 नवंबर की बात है। आज हम लोग दो समूह में एक साथ स्थान पर बैठ गए। 11 नवंबर में कह रहे हैं, आज हम लोग दो समूहों में, यानी दो समूह है, एक स्थान पर बैठ गए हैं। दोनों समूह एक स्थान पर बैठ गए, यानी एक ही जगह पर क्या किया? बैठ गए। एक समूह बालवीरों का था, एक समूह जो बालवीरों का था यानी लड़के लोग का था, और दूसरा समूह बुलबुलों का था यानी दूसरा समूह लड़कियों का था। दोनों लीडर अपने अपने समूह में थे। जो लड़के का लीडर था कौन था? बालवीर था। और लड़कियों का लीडर कौन थी? बुलबुल थी। दोनों दूसरा बुलबुल का था। दोनों लीडर अपने अपने समूह पे क्या, जो बालवीर और बुलबुल थे वो अपने समूह में थे, वो सब अपने अपने समूह में थे। अपनी प्रतिज्ञा के बारे में, अपनी प्रतिज्ञा जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली उनके बारे में फ्लॉक लीडर यानी समूह का जो लीडर था ने हमें बताया। उस समूह के लीडर ने हमें क्या बताया? सच्चा नागरिक नियमों का पालन करते हुए, उस समूह के जो लीडर था उसने बताया कि सच्चा नागरिक नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करता है, देश की यही सच्ची सेवा है। उस लीडर ने बताया कि सच्चा नागरिक जो है होता है वो नियमों का पालन करते हुए, जो नियम होता है उसका पालन करते हुए ईमानदारी और परिश्रम, ईमानदारी के साथ और मेहनत से कार्य करता है, देश की यही सच्ची सेवा है। जो देश की ये सच्ची सेवा है, ईश्वर को हम देख नहीं पाते, जो ईश्वर यानी भगवान को हम देख नहीं पाते किंतु वह सर्वव्यापी है। किंतु वह क्या है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है, सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह मौजूद रहने वाला। उसने यह संसार हमारे लिए बनाया है, उसने हमारे ये संसार जो है हमारे लिए ही क्या बनाया है। प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना, प्रतिदिन यानी रोज रोज ईश्वर की प्रार्थना यानी भगवान की प्रार्थना, दूसरों की भलाई और बड़ों का सम्मान करके ही ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। जो ईश्वर को हम जब देख नहीं पाते किंतु वह क्या है? सब जगह मौजूद है। उसने यह संसार हमारे लिए ही बनाया है, उसने जो भगवान है वो हम ये संसार क्या हमारे लिए ही बनाया है। प्रतिदिन यानी रोज रोज ईश्वर की प्रार्थना, दूसरों की भलाई। जो हम लोग प्रतिदिन यानी रोज रोज ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, दूसरों की भलाई और बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान मतलब होता है आदर। जो हम बड़ों का आदर करके ही ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। वो किसने बताया? उस लीडर ने, उस समूह के लीडर ने बताया। कब और बुलबुल, जो कब थे और बुलबुल बड़ी निष्ठा से फ्लास्क, जो कब और बुलबुल थे वो बुलबुल थी वो बड़ी निष्ठा से फ्लास्क, जो फ्लास्क होता है समूह का, फ्लास्क या समूह जो दिया है फ्लास्क या फ्लास्क का मतलब होता है समूह, ठीक है, के नियमों का पालन करते हैं बड़े निष्ठा से यानी बहुत अच्छे से उस नियमों का पालन करते हैं, तथा प्रतिदिन भलाई का एक न एक काम करते हैं। वे प्रतिदिन यानी रोज रोज भलाई का, जो भलाई किसी और के लिए किया जाता है उसका एक न एक काम जरूर वो करते हैं। कब और बुलबुल के मुख्य नियम है, जो कब और बुलबुल है उसके क्या है? ये मुख्य नियम है, यानी मुख्य मतलब प्रमुख नियम है। बड़ों का कहना मानना, जो बड़ों का है वो कहना मानते हैं। स्वच्छता से रहना तथा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना यानी नम्रता के साथ व्यवहार करना,
नित्य दांतों को साफ करना जो उसका नियम था, नित्य दांत वो बड़ों का कहना मानना है और स्वच्छता से रहना है और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना और नम्रता के साथ किसी के साथ व्यवहार करना। नित्य दांतों को साफ करना यानी नित्य मतलब रोज रोज दांतों को साफ करना तथा स्नान करना, स्नान मतलब नहाना करना आवश्यक है। ये सब नियमों का पालन करना हमें रोज रोज क्या है आवश्यक है। बालों में कंघी करना और नाखून काटना भी प्रत्येक कब तथा बुलबुल के लिए जरूरी है। वो नियम है जो है वो है नित्य दांतों को साफ करना तथा स्नान करना यानी नहाना और बालों में कंघी जो बालों में है वो कंघी करना और नाखून काटना जो हमारे नाखून है नेल है उसको काटना भी प्रत्येक उस नाखून को भी काटना क्या प्रत्येक तथा प्रत्येक कब तथा जो प्रत्येक कब है तथा बुलबुल के लिए जरूरी है यानी बहुत जरूरी है। जूतों में पालिश करना दिया है यहाँ पे जूतों में पालिश करना और स्वच्छ वेशभूषा में रहना। जूता जो हमारा जूता है उसमें पालिश करना और स्वच्छ वेशभूषा यानी जो हमारा पहनावा है स्वच्छ यानी साफ सुथरा में रहना। कब तथा बुलबुल के आवश्यक गुण है जो कब और बुलबुल है उन सबके लिए क्या है ये आवश्यक गुण है। हमने कब और बुलबुल का आदर्श वाक्य लिखा जो हमने कब और बुलबुल हैं उनका आदर्श वाक्य लिखा है। पूरा प्रयत्न करें जो है पूरा प्रयत्न करें इस आदर्श वाक्य को इस आदर्श वाक्य को लिखकर दीवार पर टांग दिया गया। हमने कब और जो बुलबुल का आदर्श वाक्य है उसको लिखा और पूरा उसमें लिखा कि पूरा प्रयत्न करें इस आदर्श वाक्य को लिखकर हमने क्या किया पूरा प्रयत्न करें ये हमने लिखकर इस आदर्श वाक्य को क्या किया लिखकर अपनी दीवार पर क्या किया टांग दिया नहीं लटका दिया। घर लौटने पर आज ही मैंने अपने नाखून काटे हैं। जब मैं घर लौटी तब आज ही मैंने अपने नाखून को क्या काटे हैं। रुमाल भी धोकर मैंने रख लिया है जो मेरा रुमाल है उसको धोकर मैंने क्या किया है रख लिया है। हाँ जूते पर पालिश अभी बाकी है। वो बोल रही है बुलबुल कि जी मैंने रुमाल भी धोकर रख लिया है और मैंने अपने नाखून भी काट लिए हैं वहाँ जूते पर जो पालिश है अभी बाकी है। वही करने जा रही हूँ जो जूते पे मेरा पालिश बाकी है अभी मैं वही करने जा रही हूँ। अब 18 नवंबर जब 18 नवंबर आ गया तो उस दिन की बात है। आज का दिन तो और भी अधिक आनंद से बीता। जो आज का दिन है वो और भी आनंद यानी मजा के साथ बीता आनंद से बीता यानी मजे से बीता। हमने रोचक कहानियां सुनी हमने रोचक कहानियां सुनी रोचक का मतलब होता है दिलचस्प यानी दिलचस्प कहानियां सुनी और कई ऐसे खेल खेले जो मैंने अब पहले कभी नहीं खेले थे। उसने कहा 18 नवंबर के दिन उसने कहा कि आज का दिन तो और भी अधिक आनंद से बीता यानी और भी अच्छे से बीता। हमने रोचक कहानी यानी दिलचस्प कहानियां सुनी और कई ऐसे खेल खेले जो मैंने पहले कभी नहीं खेले थे। उसने कई ऐसे खेल खेले जो उसने पहले कभी नहीं खेले थे। तीर कमान किले और दीवारों का खेल जो तीर कमान का खेल होता है उसे और दीवारों का जो खेल होता है उससे बहुत रोचक था। जो तीर कमान का खेल है और किले का और दीवारों का जो खेल है वो बहुत रोचक है रोचक यानी दिलचस्प है। आज हमें रीफ गांठ लगाना सिखाया गया एक और खेल है जिसमें हमें रीफ गांठ होता है उसे लगाना सिखाया गया उसे कैसे लगाते हैं वो हमें सिखाया गया। अब मैं अपना बिस्तर बांधकर यह गांठ आसानी से लगा सकती हूँ। अब वह अपना बिस्तर बांधकर वह गांठ आसानी से क्या लगा सकते जो रीफ गांठ है उसे लगाना उन सबको सिखाया गया। उस गांठ को बुलबुल बोल रही है कि अब मैं अपना बिस्तर बांधकर उस पर यह गांठ आसानी से क्या कर सकती हूँ लगा सकती हूँ। यह गांठ लगा देने से यह जो गांठ है यह लगा देने से
बिस्तर ठीक से बंधा रहता है। जो यह गांठ है रिप गांठ, इसे लगा देने से बिस्तर क्या ठीक ठीक से बंधा रहता है, ठीक से बंधा रहता है और खोलने पर आसानी से खुल जाता है। जो रिप गांठ है उसे हमने सीखा है और इसे मैं अपने बिस्तर को बांध कर क्या कर सकती हूँ, ये रिप गांठ लगा सकती हूँ, जिसे यह गांठ लगा देने से बिस्तर ठीक से बंधा रहता है और खोलने पे आसानी से खुल जाता है। यह गांठ चपटी होती है, जो यह गांठ रिप गांठ यह क्या होती है, चपटी होती है और पट्टी बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। और पट्टी बांधने में जब पट्टी हम लोग को बांधी होती है, अगर चोट लग जाए तो हम लोग को पट्टी बांधी जाती है, तो वो पट्टी में बांधने में इसका क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ये रिप गांठ का प्रयोग होता है। हम लोगों ने पुराने टाट पर बची हुई, हम लोगों ने पुराने टाट पर बची हुई कतरने लगाकर आस बनाकर आस बनाना भी शुरू कर दिया है। हम लोगों ने जो पुराने टाट है, टाट पर जो बची हुई कतरने यानी कपड़ा जो था, वो बची हुई जो कतरन थी उसे क्या लगाकर, कतरने लगाकर यानी उसे कपड़े को लगाकर आसन जो हम लोग का आसन था यानी बैठने वाला जो होता है आसन, उसे बनाना भी क्या शुरू कर दिया है। आज यह थोड़ा सा बोलिए आज यह थोड़ा सा ही बन सका, जो आज यह है क्या थोड़ा सा ही बन सका। पूरा होने पर इसे जो टाट से जो लोगों ने पुराने टाट पर बची हुई जो पुराने टाट थी उस पे बची हुई जो कतरन थी, कतरन यानी जो कपड़ा छोटा छोटा टुकड़े में होता है कपड़ा, उसे कपड़ा जो था उसे लगाकर हमने क्या किया आसन बनाना भी शुरू कर दिया। उस कपड़े को छोटे छोटे कपड़े को क्या हमने आसन उसे लगाकर आसन उस टाट पर लगाना यानी हो सकता चटाई हो, तो उसे हमने क्या किया उस बची हुई कतरने को लगाकर आसन बनाना भी शुरू कर दिया। आज यह थोड़ा सा ही बन गया, हमने आज यह थोड़ा सा ही बन सका है। पूरा होने पर मैं इसे दादी को दूंगी, वो बोला ये जब ये पूरा हो जाएगा, ये टाट पूरा हो जाएगा तो मैं इसे पूरा होने पर क्या करूंगी, ये दादी को दूंगी, वे इस पर बैठकर पूजा करेंगी, वो इस पर बैठकर क्या करेंगी पूजा करेंगी। अब 25 नवंबर दिया है, 25 नवंबर की बात है। हम अपनी साप्ताहिक बैठकें, हम जो अपनी साप्ताहिक मतलब होता है जो सप्ताह में बैठकें आयोजित करते हैं, जो सप्ताह में बैठक होता है उसे हम जो आयोजित करते हैं, हम छह छह की टोलियों, हम जो छह छह की छह लोग होते हैं उन सबकी टोलियों में, उन सबकी टोलियों यानी छक्कों में यानी छह छह लोग रहते हैं उसमें क्या छह छह की टोलियों दिया है यानी छक्कों में बटकर हम लोग छह छह के मतलब अलग अलग हो जाते हैं, छह छह के जोड़े बनाकर अनेक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अनेक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें हम लोग छह छह की टोलियों को बनाकर क्या करते हैं, अनेक कार्यक्रमों में क्या करते हैं भाग लेते हैं। इसी पक्षी के नाम पर, जो बुलबुल पक्षी है इसी के नाम पर प्रत्येक टोली का अलग नाम रखा जाता है, जो बुलबुल पक्षी है उसी के नाम पर क्या प्रत्येक टोली का अलग नाम रखा जाता है, प्रत्येक जो टोली है उसका क्या अलग अलग नाम रखा जाता है, जैसे कोयल तोता या मैना, ये जो बुलबुल पक्षी है इसी के नाम पर क्या प्रत्येक टोली का, जो प्रत्येक टोली है उसे हम लोग क्या अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे कोयल तोता या मैना ये सब क्या है पक्षी है। मेरे छक्के का नाम कोयल है, यानी जो उनकी छह टोलियां हैं उसके छक्के का नाम क्या है कोयल है। हम लोग कोयल की तरह बोली भी बोलते हैं, जो जैसे कोयल बोलती है बोली हम लोग क्या करते हैं उसी तरह हम लोग बोली भी बोलते हैं। हर छक्के का एक कोना होता है, हर छक्के का एक कोना होता है इसे हम घोंसला कहते हैं, जो हर छक्के का होता है क्या इसे घोंसला होता है कोना होता है इसे हम क्या कहते हैं घोंसला कहते हैं। यहाँ हम अपने हाथ की बनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे जो हम अपने हाथ की बनी वस्तुओं का जो अपने हाथ से बनाए वस्तुओं का क्या करते हैं प्रदर्शन यानी दिखाते हैं। आज हमें सबके घोंसले देखने को मिले, आज हमें क्या सबके घोंसले को
देखने को मिले, जो हमें आज क्या सभी का जो घोंसला था उसे देखने को मिला। सभी ने तरह तरह का सामान बनाया था, जो सभी की टोलियां थी उन्होंने क्या तरह तरह का यानी कई कई तरह का सामान बनाया था। इनमें दिया सलाई की डिबिया से, इनमें दिया सलाई यानी माचिस जो होता है उसे दिया सलाई, उसकी डिबिया से सोफा सेट, उसकी डिबिया से क्या सोफा सेट, रेडियो, दफ्ती के पुराने डिब्बों से कठपुतली, पाउडर के डिब्बों से फूलदान आदि रखा है, जो हमने अपने सबके घोंसले देखने को मिले जिस दिन, तो सभी ने तरह तरह के सामान यानी अलग अलग तरह के सामान बनाए थे, जिनमें से क्या दिया सलाई की डिबिया से क्या बना था, सोफा सेट बना था, रेडियो बना था, दफ्ती बना था, रेडियो बना था दफ्ती के पुराने डिब्बों से, जो दफ्ती कहा है, जो दफ्ती यानी जो आप लोग पेड़ लेकर आते हो उसे दफ्ती कहते हैं उसे, या गत्ते को, उस दफ्ती के पुराने डिब्बों से क्या कठपुतली, उस दफ्ती के पुराने यानी जो गत्ता होता है उसके पुराने डिब्बों से क्या कठपुतली, कठपुतली यानी काठ, काठ पे जो नचाते हैं सब कठपुतली होती है, गुड़िया होती है उसे कठपुतली कहते हैं। पाउडर के डिब्बों से फूलदान, जो पाउडर का डिब्बा होता है उसे हम लोग क्या फूलदान आदि मुख्य है। आज हमारे यहाँ एक अतिथि आए, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, आज हमारे यहाँ एक मेहमान आए, उन्होंने हमें स्काउट गाइड संस्था का इतिहास संक्षेप में बताया, यानी उन्होंने जो हमारे घर मेहमान आए उन्होंने हमें स्काउट गाइड, जो स्काउट गाइड है उस संस्था का इतिहास, जो संस्था के बारे में हमें संक्षेप में यानी बहुत अच्छे से बताया। स्काउट गाइड संस्था के जन्मदाता एक अंग्रेज थे, जो स्काउट गाइड है उसके जन्मदाता क्या थे, एक अंग्रेज थे, जो स्काउट गाइड के संस्था के जन्मदाता जो थे तो क्या थे, एक अंग्रेज थे, जिनका नाम बेडन पावेल था, जो स्काउट गाइड के जन्मदाता हैं क्या वे एक अंग्रेज थे, जिनका नाम क्या है बेडन पावेल था। उन्होंने सबसे पहले, जो बेडन पावेल थे उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी स्थापना की, वो जो बेडन पावेल थे वो स्काउट गाइड की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे की थी, इंग्लैंड में की थी। बाद में इसकी शाखा, जो बाद में इसकी शाखा है भारत में स्थापित की गई, बाद में सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले स्काउट गाइड की जो संस्था थी वो कहाँ पे, इंग्लैंड में स्थापना की गई थी उसकी, फिर बाद में इसकी शाखा कहाँ पे, भारत में स्थापित की गई। भारत में स्काउट गाइड संस्था के विकास में, भारत में जो स्काउट गाइड संस्था है उसके विकास में पंडित श्री राम वाजपेयी, जो पंडित श्री राम वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू का बड़ा हाथ रहा, उन्होंने इस संस्था को यहाँ भारत में विकास करने के लिए इन लोगों का क्या बहुत बड़ा हाथ रहा, यानी बहुत सहायता किए। फ्लाक की ओर से अतिथि का विशेष अभिवादन, फ्लाक यानी जो समूह था उसकी ओर से अतिथि जो मेहमान थे उसका विशेष अभिवादन। ग्रैंड सल्यूट, ग्रैंड सल्यूट यानी सभी लोग क्या करते थे, ग्रैंड सल्यूट किया जाता था, सभी लोग सल्यूट करते थे यानी उसको सलामी देते थे। विशेष अवसरों पर, जो विशेष अवसर था यानी जो सबसे अच्छा अवसर था अवसरों पर क्या सम्मानित अतिथियों को, जो सम्मानित अतिथि थे उनको इस प्रकार का सल्यूट दिया जाता था, जो सम्मानित जो सब जाने माने सम्मानित अतिथि थे मेहमान थे उनको क्या इसी प्रकार का क्या सल्यूट दिया जाता था यानी सलामी दिया जाता था। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों को सलामी दिया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में मिलते हैं, जब हम लोग आपस में मिलते हैं तब दो उंगलियों से सल्यूट करते हैं, जब हम लोग आपस में मिलते हैं तब क्या करते हैं दो उंगलियों से यानी जो हमारी दो उंगली है उससे हम लोग क्या करते हैं सलामी करते हैं, और बायां हाथ मिलाते हैं, और जो हमारा बायां वाला हाथ है उसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। बहादुरी तथा
परस्पर भाईचारे की भावना व्यक्त करने के लिए। बहादुर यानी जो हम लोग बहादुर होते हैं ना, यानी बिना डरे, बहादुर तथा परस्पर भाईचारे की भावना जो हमारे अंदर, जो बहादुरी की तथा परस्पर भाईचारे की भावना व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। आज स्वस्थ रहने के संबंध में हमें कुछ नियम भी बताए गए, हमें बहादुरी तथा परस्पर भाईचारे की भावना व्यक्त करने के लिए क्या ऐसा किया जाता था, यानी हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और किसी से भी ना डरे, बहादुर रहें। आज स्वस्थ रहने के संबंध में कुछ नियम भी बताए गए, इनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं, जो हमें स्वस्थ रहने के जो कुछ नियम बताए गए हैं वो कुछ नियम हमें इस प्रकार हैं। केवल लाभदायक भोजन खाओ, जो हमारे लिए लाभदायक भोजन है उसको ही खाओ, यानी जो हमारे लिए फायदा है उसको, उस भोजन को ही हम लोग क्या खाएं। नाक द्वारा स्वच्छ हवा में सांस लो, इस नियम में बताया गया, नाक द्वारा जो हमारा नाक है उस द्वारा स्वच्छ हवा, जो स्वच्छ हवा यानी साफ सुथरी हवा है उसे हम लोग सांस ले। अपने आप को अंदर और बाहर से साफ रखो, जो हम अब लोग हैं अपने आप को अंदर और बाहर से, चाहे अंदर हो या बाहर से, क्या लोग साफ सुथरा रखें। अपने माप आप को मोड़ो, झुकाओ और दौड़ लगाओ, अपने आप को जो हम लोग हैं मोड़े और झुकाएं और क्या दौड़ लगाएं। आज हम लोग बहुत व्यस्त रहे, नए नए खेलों, कहानियों और गीतों से बड़ा आनंद आया। आज हम लोग बहुत व्यस्त थे यानी व्यस्त रहे, नए नए खेलों, जो नया नया खेल था उसको, कहानियों को और गीतों से बड़ा आनंद यानी बड़ा मजा आया। घर वापस आते समय मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करने में मदद की। बुलबुल की डायरी में लिखा था कि घर वापस आते समय मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करने में मदद की, यानी मदद मतलब सहायता की। वह बुढ़िया वहाँ बहुत देर से खड़ी थी, तथा आती जाती सवारियों और भीड़ के कारण, सड़क पार नहीं कर पा रही थी। वो बुढ़िया वहां पे जो सड़क के किनारे क्या थी, बहुत देर